50 वर्ष से अधिक उम्र वाले इस संदेश को जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये उनके आने वाले जीवन की वृद्धावस्था को अत्यंत सुखमय बना देगा। नंबर एक, आप अपने स्वयं के स्थायी स्थान पर रहें ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सकें। नंबर दो, आप अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें। अति प्रेम में पढ़कर किसी के नाम करने की ना सोचें। नंबर तीन, आप अपनी संतानों की शादी के बाद उनके निजी जीवन में दखल अंदाजी ना करें। उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से अपना जीवन जिए, क्योंकि बच्चों की शादी के बाद आपको अपना मन बच्चों से हटाकर भगवान के भजन, कीर्तन और कथा और नाम जप में लगाना चाहिए। नंबर चार, आप अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर न रहें कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती हैं और कभी कभी चाहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाते हैं। नंबर पाँच, किसी के साथ अपनी तुलना न करें और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें। नंबर छः, उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल रखें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हैं, यानी कि जो आपके सच्चे हितैषी हैं। नंबर सात, आप अपनी वृद्धावस्था को आधार बनाकर किसी से सेवा करवाने, सम्मान पाने का प्रयास कभी भी ना करें। नंबर आठ, लोगों की बातें सुने लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर ही आप अपना निर्णय लें। नंबर नौ, प्रार्थना करें लेकिन भीख ना मांगें। यहाँ तक कि भगवान से भी हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर भगवान से आप कुछ मांगना चाहते हैं तो केवल भगवान से अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगें और भगवान से हिम्मत मांगें और साथ ही साथ भगवान से उनकी भक्ति मांगें, उनका भजन कीर्तन मांगें। और आप अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें, भजन कीर्तन करें, कथा सुनें, जिससे आपकी वृद्धावस्था सुखमय बीतेगी और आपका मन भगवान में लगा रहने से प्रसन्न रहेगा। नंबर 10, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वस्थ भोजन करें और चिकित्सीय परीक्षण के अलावा आप अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से स्वयं करें और छोटे कष्टों पर ध्यान न दें, क्योंकि उम्र के साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां चलती रहती हैं। नंबर 11, आप अपने जीवन को उल्लास से जीने का प्रयत्न करें, यानी प्रसन्नता से जीने का प्रयत्न करें, खुद को प्रसन्न रखने की कोशिश करें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। नंबर 12, किसी भी टकराव को टालें, किसी भी लड़ाई झगड़े में मत फंसें एवं तनाव रहित जीवन जिए और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। नंबर 13, प्रतिवर्ष जीवन साथी के साथ भ्रमण या छोटी यात्रा पर एक या अधिक बार अवश्य जाएं, यानी कि किसी भी तीर्थ स्थल पर या किसी मंदिर पर या धार्मिक स्थल पर जरूर जाएं। इससे आपका जीने का नज़रिया बदलेगा और साथ ही साथ अध्यात्म की ओर आपकी उन्नति होगी, भगवान में आपका मन लगेगा। नंबर 14, जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है, चिंताएं भी स्थायी नहीं है, इस बात का आप विश्वास रखें। नंबर 15, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को रिटायरमेंट तक पूरा कर लें। याद रखें कि जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते हैं तब तक आप जीवित नहीं हैं, इसलिए आप अपने लिए जिए और अपने इष्ट भगवान के लिए जिए, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र के बाद हमें अपना जीवन अधिक से अधिक भगवान के भजन, कीर्तन और नाम जप में ही लगाना चाहिए, क्योंकि आपने
50 वर्ष से पहले जितने भी संपत्ति इकट्ठा की हैं, जितने भी मान सम्मान वैभव इकट्ठा किए हैं, वे सब यहीं के यहीं रह जाने हैं और आपके साथ आपका केवल किया हुआ कर्म जाएगा। इसलिए अगर आपने बुरे कर्म अधिक किए हैं, पूजा पाठ नहीं किया है, तो बुढ़ापे के अंत में आप अधिक से अधिक पूजा पाठ और भजन कीर्तन में मन को लगाइए, ताकि आपको भगवान के दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सके और आप नरकों में जाने से बच जाएं। इसलिए कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए कलयुग में केवल नाम कीर्तन कथा सुनने से ही भगवान में मन लगेगा, भगवान का भजन होगा और अधिक से अधिक इसलिए आप नाम जप कीजिए और जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, शिव हरि, जो भी नाम अच्छा लगता है उसको जपिए।